तो बहुत लोगों ने मुझे पिंग किया, वीडियोस पे कमेंट भी किया कि क्वेरीज तो समझ में आ गया लेकिन उसे प्रैक्टिस कैसे करें। क्या ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकता है? लेकिन हमें ऑनलाइन जाना ही क्यों है जब हम लोग लोकली डेटाबेस इंस्टॉल करके हमारे कंप्यूटर पे हम लोग सारे क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करके एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू उसे कनेक्ट करेंगे और हम लोग अपना पहला क्वेरी लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी स्टेप मिस मत करिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर छोटा सा भी स्टेप मिस हो गया तो फिर वहीं पे सब गलत हो जाएगा, फिर डेटाबेस को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ऐसा सुनने में आया है कि अगर वीडियो को लाइक ना करो तो शायद सही से इंस्टॉलेशन नहीं होता है। तो पहला चीज है, गूगल में जाइए, सर्च करिए डाउनलोड ओरेकल 19c फॉर विंडोज। पहला जो लिंक आएगा oracle.com का, उससे राइट क्लिक करके नया टैब में खोलिए। तो ये नया टैब खुल गया, इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे जाके इसे ओपन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये जो zip फाइल का जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, तो डायरेक्टली आप ओरेकल लॉगिन रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देके साइन इन करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ओरेकल अकाउंट नहीं है तो आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ओरेकल क्रिएट अकाउंट पे जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फिल करिए और अकाउंट क्रिएट करिए। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पासवर्ड, कंट्री, नेम, जॉब टाइटल, वर्क फोन, कुछ भी रैंडम जॉब टाइटल, वर्क फोन, कुछ भी कंपनी, एड्रेस, एड्रेस, सिटी, जितने भी चीज़ें हैं उसे आप फिल करके क्रिएट अकाउंट करिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं लॉग इन कर देता हूँ। तो मैं जब साइन इन करूंगा मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.9 GB का है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपका जहाँ पे डाउनलोड होगा वहाँ पे आप जा सकते हो, और उसे जिप होगा तो उसे अनजिप कर दो। तो एक बार अनजिप हो जाए, अनजिप फोल्डर को खोलने के बाद आप सबसे नीचे जाओगे तो सेटअप आएगा, तो आप सेटअप पे डबल क्लिक करो, यस। ध्यान से देखिए एक एक स्टेप, क्योंकि कहीं पे कुछ मिस हो गया जैसे मैंने बताया था तो पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा, हम लोग का कनेक्ट भी नहीं होगा डेटाबेस से। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार इंस्टॉल हो गया तो मस्त क्वेरी, जबरदस्त मक्खन की तरह लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरेकल डेटाबेस 19 से इंस्टॉलर हम लोग का ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे मेन टास्क आता है, कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में हमें नेक्स्ट दबा के आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से सिलेक्ट करना। तो ये पहला पेज जहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है हम लोग को ऑप्शन, तो दो ऑप्शन है, सेटअप सॉफ्टवेयर ओनली और क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए सिंगल इंस्टेंट डेटाबेस। तो हमें क्या करना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है और कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए हम लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए मुझे ये एरर आ रहा है। तो इसके बाद जितने भी स्टेप है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, तो वो स्क्रीनशॉट देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग ने नेक्स्ट किया तो हमारे पास चार ऑप्शंस आएंगे, यूज वर्चुअल अकाउंट, यूज एग्जिस्टिंग यूजर, क्रिएट न्यू विंडोज यूजर और यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप तो आपको एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें येस क्लिक करना है क्योंकि हमें यही ऑप्शन चूज करना था। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए, तो नेक्स्ट आप आ जाओगे स्टेप फोर, जो कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे हम लोग ओरेकल डेटाबेस का नाम, पासवर्ड सब सेट करता है। यहाँ पे आपका डेटाबेस फाइल लोकेशन जो है, तो वो अगर आप चाहो तो ब्राउज करके नया लोकेशन आप सेट कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट लोकेशन में रहने दे सकते हो। नेक्स्ट डेटाबेस एडिशन, यहाँ पे एंटरप्राइज एडिशन हमें सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर सेट, यूनिक कोड सिलेक्ट करना है, ग्लोबल डेटाबेस नेम बाई डिफॉल्ट ORCL है, वो हम लोग ORCL ही रहने देते हैं। अब हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना है, जो कि हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हर बार लॉगिन करते टाइम अगर हम लोग ने सेव नहीं किया पासवर्ड
तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो फॉर कन्वीनियंस मैंने क्या किया है, ORCL दे दिया है, अगर आप चाहो तो वो दे सकते हो। तो अगर आप भूल भी जाओ वापस ये वीडियो देख के आपको अपना पासवर्ड भी याद आ जाएगा। ORCL पासवर्ड दे दिया, प्लगेबल डेटाबेस नेम ORCLDB हम लोग ने दे दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आएगा, प्री रिक्विजाइट चेक्स कुछ करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब प्री रिक्विजाइट चेक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा आएगा समरी पेज पे। यहाँ पे अगर हमें कुछ चेंज करना है जो कि हमें करना नहीं है क्योंकि हम लोग ने पूरा ध्यान से सब कुछ सिलेक्ट करके एंटर किया है और प्रॉपर सब कुछ सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें करना है इंस्टॉल पे क्लिक। उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए आप खोलिए SQL डेवलपर। तो अगर आपका SQL डेवलपर इंस्टॉल नहीं है और आपको उसका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताइए, और एक वीडियो हम लोग स्पेशली SQL डेवलपर इंस्टॉल करने का और इजीली उसे कैसे यूज कर सकते हैं उस पे बना सकते हैं हम लोग। तो जब ये Oracle SQL डेवलपर हमारा खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये वेलकम पेज आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें एक प्लस साइन दिख रहा है जहाँ पे न्यू कनेक्शन है, तो उस पे क्लिक करिए। तो हमें यहाँ पे कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा, तो कनेक्शन का नाम ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ ORCL दे दिया है। अब यूजर नेम क्या देना है, यूजर नेम हमें देना है सिस्टम, क्योंकि हम लोग ने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है और यूजर नेम हमें देना है यहाँ पे सिस्टम। पासवर्ड हम लोग ने जो सेट किया था वो देना है, मैंने सेट किया था ORCL, अगर आपने भी ORCL सेट किया है तो यहाँ पे पासवर्ड ORCL दे दो। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन टाइप बेसिक सिलेक्ट करना है, होस्ट नेम लोकल होस्ट सिलेक्ट करना है, पोर्ट 1521 और ये SID नहीं सर्विस नेम सिलेक्ट करना है और सर्विस नेम हमारा है ORCL। अब आप क्या कर सकते हो, टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि ये जो कनेक्शन डिटेल्स आपने दिया है वो सही है भी कि नहीं। तो एक बार आपका टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा सक्सेस। एक काम करिए इसे सेव कर दीजिए, सेव कर सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी मेरे पास है तो ओवरराइड कर सकते हैं। और एक बार सेव हो गया उसके बाद कनेक्ट, तो एक बार कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कनेक्शन दिखेगा। तो आप इसे एक्सपैंड करके टेबल्स किस क्या क्या है ऑलरेडी, तो आपके बहुत सारे ऑलरेडी टेबल्स क्रिएटेड हो गए ये देख सकते हो। अगर आप कुछ टेबल क्रिएट भी करते हो जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट टेबल क्रिएट किया था तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो उसमें जो जो कॉलम्स है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पहला हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सपोज टेस्ट, तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसमें कुछ वैल्यूज नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ने आज वीडियो में देखा कैसे हम लोग लोकल डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं और हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं। तो बिंदास इंस्टॉल करिए और क्वेरी लिखना स्टार्ट करिए, जितने भी क्वेरीज हम लोग ने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट क्वेरीज सब प्रैक्टिस करिए ताकि कभी भी इंटरव्यू में कन्फ्यूजन ना हो और आराम से सब क्वेश्चन का आंसर दे सको आप। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।